3 महीने से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद अब किसानों और आमजन लोगों को मानसूनी बारिश का इंतजार है। मानसून का प्रभाव इस समय दक्षिण भारत और मध्य भारत के राज्यों पर देखने को मिल रहा है। मानसून की उत्तरी सीमा इस समय गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होती हुई पूर्वोत्तर भारत तक बनी हुई है। हालांकि जल्द ही मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है और उम्मीद है कि मानसून मध्य प्रदेश को भी कवर करेगा। इसके अलावा बिहार, झारखंड की ओर भी बढ़ेगा। लेकिन क्या इस बीच बंगाल की खाड़ी पर कोई सिस्टम बनने की संभावना है जो बारिश देगा? अगर सिस्टम बनता है तो कब तक बनता है? क्या संभावना है सिस्टम के बनने की? और दोस्तों, सिस्टम अगर बनता है तो किस दिशा में आगे बढ़ेगा? सब जानते हैं इस वीडियो में। आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपके पास मानसून से जुड़े हुए, मौसम से जुड़े हुए सभी अपडेट जो है समय अनुसार पहुँच जाए। आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ शुरुआत में कि सिस्टम के इंटेंसिफाई होते हुए कब तक बनने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में बन सकता है। हालांकि अभी कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। अभी की बात करते हैं कि अगले 3-4 दिनों के दौरान किस तरह की स्थिति बन सकती है बंगाल की खाड़ी पर, क्या परिस्थितियाँ हैं बंगाल की खाड़ी पर इस समय। आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर जो हवाओं की स्थिति है वो काफ़ी उग्र है और हवाएं लगातार इंटेंसिफाई होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कोई भी सिस्टम इस समय बना हुआ नहीं है बंगाल की खाड़ी पर और ना ही अरब सागर पर, तो इस समय मौसम की सक्रियता फिलहाल दक्षिण भारत तक सीमित है, क्योंकि दक्षिण भारत पर परिस्थितियां बन रही है। इसके बाद 13-14 तक परिस्थितियां पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और तमाम जो उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं वहाँ पर बढ़ेगी। इसके अलावा आगे अगर मैं बंगाल की खाड़ी की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्टिव सिस्टम बनने की संभावना में 15 या 16 जून तक नजर नहीं आ रही है। और इस बीच बारिश की संभावना देश के कई राज्यों पर रहेगी। हालांकि मानसून दक्षिण भारत पर सक्रिय रहेगा तो दक्षिण में ज़्यादातर इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसी बीच आप देख सकते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर बनेगा। हालांकि ये सिस्टम ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये लगातार मानसून की हवाएं खींचेगा तो इससे मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं हमें बनती भी नजर आ सकती है 18-19 जून के आसपास। इसके अलावा अरब सागर की हवाएं भी इंटेंसिफाई होती हुई अब राजस्थान, मध्य प्रदेश की ओर। तो फिलहाल 12 जून से लेकर 21 जून के बीच में कोई भी सिस्टम बनने की संभावना ना तो बंगाल की खाड़ी पर है और ना ही अरब सागर पर। अगर कोई सिस्टम बनता है तो वो उत्तरी क्षेत्र पर बनेगा लगभग 17 जून के आसपास, और ये सिस्टम जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को प्रभावित कर सकता है, मध्यम से तेज बारिश दे सकता है। बाकी तो किसी भी सिस्टम के बनने की संभावना नहीं है। तो 20 जून तक कोई भी सिस्टम नहीं बनेगा। आगे कब तक सिस्टम बनेगा इसकी मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर 27 और 28 जून के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो आगे बढ़ता हुआ ताकतवर होगा, और उसकी संभावना है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को पार करता हुआ यह सिस्टम जो है मध्य प्रदेश को पार करेगा और फिर राजस्थान के पूर्वी इलाकों तक पहुँचेगा और फिर पश्चिम राजस्थान में बारिश देगा। तो ये सिस्टम 27-28 जून तक बनेगा। हालाँकि बहुत लंबा समय भी बना हुआ है बचा हुआ शेष, तो इसे में अभी सिर्फ हम पूर्वानुमान के तौर पर आपको बता सकते हैं कि ये परिस्थितियां आगामी समय में बन सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहें, अपडेट आपको देता रहूंगा समय अनुसार। धन्यवाद।